अभी तक कहाँ पर थे? अभी तक बेटा हमने रजिस्ट्रेशन को कवर किया, हमने पूरे बैकग्राउंड को कवर किया, जीएसटी का बैकग्राउंड क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। हमने देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की, जैसे इनपुट की डेफिनेशन, हमने आउटपुट देखा क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, इनवर्ड क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें देखी उसके अंदर। वहीं पे हमें दो वर्ड्स मिले थे। दो वर्ड्स कौन से थे? वो पहला वर्ड था हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का और दूसरा वर्ड था हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। तो हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन भी वहीं पे कवर की कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या कवर होता है। फिर हमने देखा कि आरसीएम होता क्या। बेसिकली आरसीएम में भी देखा जाए तो चार्ज के दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। तो हमने देखा कि फॉरवर्ड चार्ज तो नॉर्मल सिनेरियो में होता है और रिवर्स चार्ज देर आर 16 सेट ऑफ सर्विसेज जहां पे रिवर्स चार्ज होता है। हमने रिवर्स चार्ज को पूरा डिटेल में पढ़ा कि किन किन सर्विसेज पे हमारा रिवर्स चार्ज लगता है और वो रिवर्स चार्ज कैसे वर्कआउट करता है, हमने वो भी उस चीज को पूरी तरीके से देखा। उसके बाद हमने देखा कि सप्लाई बेसिकली होती क्या है। जीएसटी के अंदर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर ये थोड़ी ना कि मतलब नॉर्मली मैं बोलूँ जीएसटी लगा दो जी, बट कब लगेगा जीएसटी, वो चीज कब आएगी। तो हमने सप्लाई को आइडेंटिफाई किया, सप्लाई बेसिकली है क्या चीज और वो कब मानी जाती है। जब बेटा आप देखो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, हमारा सप्लाई हमने कवर कर लिया, हमने टर्नओवर को कवर कर लिया, हमने आरसीएम को कवर कर लिया। अब देखते हैं जो सप्लाई जब कंप्लीट हो जाती है तो हम एक एक स्टेप चल रहे हैं बेटा, स्टेयर्स पे एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं ना, कुछ भी ओवर पास नहीं करते कि अगर एक स्टेयर का आप ओवर पास कर दोगे तो वहां पे आप गिरने के चांसेस रहते हैं। फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए मेन चीज जरूरी क्या है, वो है टर्नओवर, हमने उसकी डेफिनेशन कवर कर ली। फिर हमने देखा कि उसके साथ साथ जो तरीके हैं जीएसटी लगाने के वो दो ही हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, वो भी हमने कवर कर लिया। फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली जीएसटी लगेगा कब, हमने देखा कि जब सप्लाई पूरी हो जाएगी तब जीएसटी लग जाएगा, क्लियर। अब हमें देखना है जब सप्लाई पूरी हो जाएगी तब होगा क्या, ठीक है। तो जैसे बेटा देखो समझो आप, मैं फिर से इसको स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने सर्विसेज दी, किसको, मिस्टर वाई को, ठीक है बेटा। मिस्टर एक्स ने अपनी सर्विसेज दी है मिस्टर वाई को। तो अब बेटा यहां से आप समझिए सर्विसेज का मतलब क्या हुआ। सर्विसेज का मतलब हुआ कि मिस्टर एक्स सपोज एक लॉयर है, लॉयर नहीं लेते, सीए ले लेते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो सीए है और इनका क्लाइंट है मिस्टर वाई, ये बिजनेसमैन है। ठीक है बेटा, ये बिजनेसमैन है। तो इनको इनसे कुछ काम था, इन्होंने बोला कि ठीक है सर काम हो जाएगा, लेकिन उस काम में क्या हो रहा है बेटा, लग रहा है थोड़ा टाइम, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। ये तो है नहीं कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को फोन किया, सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है इसको ऐसे कर दो तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं बेटा। एडवाइस अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है बिजनेस के अंदर, कोई नई चीज लेके आनी, इनोवेट करनी है कोई चीज, तो वो कैसे करोगे आप। इनोवेशन के में आपको देखना पड़ेगा उसका लीगल एंगल क्या कहता है, उसका कंप्लायंस एंगल क्या कहता है, सेबी उसके लिए क्या कहता है, आरबी उसके लिए क्या कहता है, या फिर एमसी उसके लिए क्या कहता है, इनकम टैक्स उसके लिए क्या कहता है, जीएसटी उसके लिए क्या कहता है, सब चीजें देखनी पड़ेंगी ना। कि मान लो मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर, तो वो बिजनेस के लिए मेरा जो जो बिजनेस मेरा है वो गवर्नमेंट उसको अलाउ भी करती है नहीं करती है, तो वो मुझे बताएगा कौन। तो सपोज एक सीए हो गया, एक लॉयर हो गया बेटा, ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, एक दो तीन, यहाँ पे मुझे ब्रोकर्स भी लगेंगे, मतलब जो जो डील एग्जीक्यूट करवाएंगे बेटा वो लोग भी तो आएंगे ना, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों को पूरा अंदर का सिस्टम पता होता है कैसे सिस्टम काम करता है, ठीक है। ये लोग हो गए सीए, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, ब्रोकर, हाँ मतलब एटलीस्ट इन लोगों की तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो हमारा बैंकर भी होता है, बट बैंकर बेटा हमसे पैसे नहीं लेता क्योंकि हम उसको बिजनेस देते हैं, वो हमें बिजनेस देता है, ठीक है, हमें सर्विसेज देता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं होता, ठीक है, मतलब ये उस सप्लाई में नहीं आती है, ठीक है। तो इन लोगों, ये लोग अपने अपने अपना रोल प्ले करेंगे, ये अपना एंगल प्ले करेगा, ये अपना एंगल प्ले करेगा, ये अपना एंगल प्ले करेगा और ये अपना एंगल प्ले करेगा, ठीक है बेटा। तो ये इसमें एक दिन में तो होगा नहीं है, ये अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताएगा, पहला स्टेप हो गया, ये उसको सॉरी ये अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा इसको, ठीक
ठीक है, ये फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा जो सीए है, ठीक है, सीए कह लो, लॉयर कह लो, ठीक है, लॉयर अपना काम करेगा, सीए अपना काम करेगा, तो ये लोग अपने भी तरीके से समझेंगे, फिर उसको रिसर्च करेंगे, तो क्या बेटा सर्विस सप्लाई कंप्लीट मान ली जाएगी इसी टाइम पे? नहीं ना, एग्जैक्टली समझो, इसने अपनी सॉरी इसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, इसने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो होता है इंडस्ट्री में, ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, और फिर उसको लाइक 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी एक्स वाई जेड, ये फिर इसके पास जाएगा, सर आपने जो हमें बताया था उसके बेसिस पे ये हमारा सजेशन है, ये हमारी रिसर्च है, ठीक है, उस रिसर्च के बाद ये देखेगा कि क्या सब कुछ ठीक है, अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है तो ये फिर उसको, मतलब वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये जो इनका पेपर होगा, पेपर मतलब बोलूं जो सजेशन पेपर होगा, वो फाइनल नहीं हो जाएगा, सर्विस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, लेकिन आप समझिए अगर इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने लग गए हैं, कहीं कोई गलत चीज कम्युनिकेट ना कर दी जाए, कोई गलत बिजनेस ना स्टार्ट हो जाए, समझो आपकी रेपुटेशन के ऊपर बात होती है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बेटा, ये ऐसे ही होता है मार्केट के अंदर काम, ठीक है, तो 6 महीने में क्या जो ये सीए है वो कोई बिल रेस करेगा ही नहीं, पैसे लेगा ही नहीं, लेगा तो यहाँ पे बेटा हम क्या बोलेंगे इसको कि जैसे इनके यहाँ पे लग, सपोज करते हैं इनके आवर्स लगते हैं, आवर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में घंटे, मान लो इनके 1 घंटे की कॉस्ट है 10,000 रुपए, मान लेते हैं इन्होंने टोटल घंटे लगा दिए 50, 50 × 10,000 कितना हो गया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाख रुपए का बिल सीए जो है वो बिजनेसमैन को भेज देगा। तो अब यहां पे ये कंसीडर किया जाएगा कि 50 घंटे की जो सर्विस थी वो सप्लाई बन चुकी है, ठीक है, और सीए क्या करेगा इस 5 लाख रुपए के ऊपर 18% जीएसटी लगा करके दे देगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो लेवी की गई, इसको हम जीएसटी जो बेटा जो कोई भी टैक्स होता है ना उसको लेवी किया जाता है, जब जीएसटी लेवी किया जाएगा तो यही हमें चेक देखना है आज कि कब लेवी किया जाएगा टैक्स और कब उसका कैसे उसका कलेक्शन होगा, ठीक है, कैसे उसका कलेक्शन होगा। हालांकि हम इसको पास में देख चुके हैं बेटा कि कलेक्शन कैसे होता है, मैं फिर से आज उसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कलेक्शन होता है, ठीक है, एक तो बात हो जाती है कि लेवी की, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो बात हो गई बेटा लेवी की कि कब जीएसटी लगाया जाएगा, और दूसरी बात हो जाती है कि कैसे उसको कलेक्शन किया जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बाकी यूटीजीएसटी भी आप कह सकते हैं, इसकी जगह पे यूटीजीएसटी आ जाता है, तो कुछ भी कह लो बेटा चीजें सारी सेम रहने वाली हैं, अल्टीमेटली हमारा मकसद जीएसटी को समझने से है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा क्या करने जा रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, चीजें होती है कि जीएसटी लगाया कब जाएगा, वही चीज कि 5 लाख का बिल तो हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टैक्सेबल इवेंट, कि जैसे ही मेरा टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट हो जाएगा मैं जीएसटी लगा बिल रेस कर दूंगा, जीएसटी लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए, द वेरी फर्स्ट बेसिस फॉर द चार्ज ऑफ टैक्स, द वेरी फर्स्ट बेसिस फॉर द चार्ज ऑफ टैक्स इन एनी टैक्सिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब बेटा होता है लॉ, इसका जो मतलब है बेटा इसको हम बोलते हैं लॉ, किसी भी लॉ में टैक्स करने की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हो क्या होती है, टैक्सेबल इवेंट, समझे बेटा, ये हर जगह की कहानी यही है, चाहे जीएसटी पढ़ लो, चाहे इनकम टैक्स पढ़ लो, चाहे कस्टम ड्यूटी पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, आप किसी भी लॉ के अंदर जो भी टैक्स लगाया जाता है वहां पे आपको देखना होता है कि आपका टैक्सेबल इवेंट क्या है, और जैसे ही आपका टैक्सेबल इवेंट क्लियर हो जाता है आप टैक्स लगा देते हैं, आप टैक्स लगा देते हैं बेटा,
ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑन विच द लेवी ऑफ टैक्स गेट्स अट्रैक्टेड, जिस समय पे लेवी आपकी अट्रैक्ट, अल्टीमेटली 5 लाख का बिल रेज कर दिया। अब उस 5 लाख के बिल अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट हो चुका है, समझे। द मोमेंट योर सप्लाई गेट्स कंप्लीटेड दैट बिकम्स अ टैक्सेबल इवेंट, और टैक्सेबल इवेंट बन गया तो फिर जीएसटी लगेगा, क्लियर है। लॉ भी यही बोलता है बेटा, इनफैक्ट टैक्सेबल इवेंट इज दैट इवेंट विच ऑन इट्स अकरेंस क्रिएट्स अट्रैक्ट द लाइबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक है, जैसे ही वो हो गया तो अब आपको टैक्स लगाना है, और टैक्स लगाना है तो लगा के आप टैक्स पे कर दो, खत्म करो उस चीज को। ठीक है, जैसे आई डोंट नो, अगर आप में से कोई कोई भी पर्सन जॉब करता है, कोई भी, अगर उसकी सैलरी इतनी है कि उस पे टीडीएस कटता है, जस्ट हाइपोथेटिकल टॉकिंग, तो उसकी सैलरी पे बेटा हर महीने टीडीएस कट जाता होगा। या फिर आप लोग अपने घर में देखेंगे, जो आपके बड़े भाई बहन या फिर जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी जो आती होगी, या फिर फादर वगैरह की जो सैलरी आती होगी, हर महीने उस पर टैक्स कटता है, हर महीने टीडीएस कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप हर महीने टैक्स दे दो, आपकी सैलरी हर महीने आ रही है, आप हर महीने टैक्स दे दो हमें। इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग दिस फॉर द एंटायर ईयर, व्हाई डोंट यू पे द टैक्स ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, सिमिलरली यहां भी कॉन्सेप्ट बेटा सेम ही है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज ऑफ टैक्स, वो हर लॉ के अंदर ये होता है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट कब होता है? जब सर्विस कंप्लीट हो गई, जब पैसे आ गए, टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? ये तो हो गई बेटा जनरल बात। अब हम देखते हैं जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। जीएसटी के अंदर बेटा क्या होता है, देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। ध्यान से पढ़ना बेटा, ये लाइन समझ में आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बस यहीं तक देखना है अभी। गुड्स और सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है कि कभी किसी भी सप्लाई, किसी भी गुड्स की सप्लाई पे और सर्विसेज पे, या फिर दोनों पे, सर्विसेज टैक्स। ठीक है, लेकिन वही हमेशा जो कहता है कि दारू को छोड़ दो और पेट्रोल को छोड़ दो। दारू बेटा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको छोड़ दो आप। ठीक है, जीएसटी कैन बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर द दिस, उसको एज एक्टिव को पैसिव बना दो, पैसिव को एक्टिव बना दो। ठीक है, सेम चीज यही है बेटा। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर में आ चुकी है कि जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं बेटा और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता। ये हमें बिल्कुल बात बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को भी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं। एक छोटी सी लाइन लिखी होगी, अगर आपने उसको मिस कर दिया आप गए। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जीएसटी जो है आपका अल्कोहल प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता अभी तक, तो 2 साल के बाद का आई डोंट नो मोदी जी क्या सोच रहे हैं। ठीक है बेटा,